संसार को क्यों धिक्कारे। अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा है एक दीप जलाए। दीप से दीप जलता ही रहेगा, सीखा है जो सबको सिखाए। स्वयं पढ़े औरों को पढ़ाए, अपना जीवन सफल बनाए। अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा है एक दीप जलाए। दीप जला दे क्यों जला दे, दीप जला दे क्यों जला दे, दीप जलाए दीप जलाए दीप जलाए। भैया ये किस चीज की चित्र है? गाय। गाय। और यहाँ क्या लिखा है? गाय। तो भैया हम इसमें लिख रहे हैं, तुम सब भी लिखो। बगल में गंदा, ये हुआ गा। चलो तुम सब लिखो, लिखो लिखो जल्दी लिखो। अरे रामू चाचा कहे उल्टा लिखा था, हैं? इतना लिखो इतना। प्रौढ़ों की मानसिकता बच्चों से भिन्न है, उनमें बिना रुचि जगाए हम उन्हें साक्षर नहीं कर सकते। मनोरंजन के साथ साथ उनमें चेतना तथा साक्षरता लाने के लिए सिर्फ किताबें ही पर्याप्त नहीं हैं। क्षेत्र स्तर पर कई उपयोगी और कम लागत के साधनों को बनाया जा सकता है। इनके उपयोग से मनोरंजक ढंग से ज्ञान कराया जा सकता है। हाँ तो भैया ये देखो, ये हुए घा, गा, सा, किया, और ये वा, और ये आ की मात्रा। तो यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ईमा देखो घास से का बने, घास हाँ, और घास से गाय, सा से साग। अनुदेशक मोहन प्राणों को भाषण देकर कोई बात समझाने में विश्वास रखता है, लेकिन मदन अपनी बातों को कुछ इस प्रकार प्रतिभागियों तक पहुंचाता है। देखो ये कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, जौन अक्षर हम तुमका सबके सिखा चुका हैं, तो इसमें से तुमका सबका शब्द बनावे के, हम जो जो शब्द कहें वही वही तुम सब बनाओ। तो ऐसा करो तुम आ जाओ, आओ भाई, और तुम आ जाओ भैया, तुम हूँ आ जाओ। अब इसमें से तुमका बनावे थे घाव, हैं? और तुम भैया बनाओ साग, और तुम भैया बनाओ गाय। चलो पहचानो बनाओ। तुम तो बना लो ठीक। हाँ हाँ तुम्हारे ठीक है ठीक। देखो मदन हाँ ठीक है रख दो। तो भैया आज हम सब लोग यहाँ एक नाटक करे जा रहे हैं। अब यह नाटक माँ भैया है ना, ये बने हैं बनिया है, अब ये बने हैं किसान।
तो भैया तुमका सब जैसे समझावा रहे याद है ना? हाँ, भैया कैसे हो? ठीक ठाक? हाँ, कर ले। अच्छा अच्छा, तो भैया अब तुम सब लोग देखो कि नाटक कैसे लोग कर रहे हैं, तो चलो शुरू करो। तनी लाला जी, आप ही कुछ मदद चाहिए। मदद कैसी? तो एक मन हमका धान चाहिए। एक मन धान? हाँ लाला जी। रामधन तुमका एक मन धान चाहिए? कोनो शादी है का? अभी शादी वादी कहाँ लाला जी, अभी तो हमारे पाँचों बिटवा छोटे हैं। फिर कौन जरूरत आन पड़ी? अब का बताए लाला जी, आपका विश्वास ना हुए, हमका बताया में भी शर्म लागत है, पर बताया का पड़े। अब जो खेत में अनाज उगत है वो अपने परिवार का ही नहीं पूरा परत है, खाना पीना तो चलाए का ही है, यही मारे हम आपके पास आए। ये तुम कह रहे हो रामधन काका? तुम तो गांव के अच्छे किसानन में से रहो। हमका अच्छी तरह याद है रामधन काका, तुम तो अनाज बिछतो रहो, फिर कुछ खेत वेत कम हो गए का? अरे नहीं नहीं, खेत तो उतना ही है। तो फिर सूखे का असर पड़ा होगा? नहीं नहीं, वही बात भी नहीं। रामधन काका, ना तो तुम शराब पियत हो, ना जुआ खेलत हो, और ना ही कोनो और बुरी लत है, फिर ही परिवार का राशन पानी कैसे नहीं चलत है? का बताएं लाला, यही तो हम भी सोचे थे कि हमसे कहां कब का ना समझी हुई गई। वाह भैया, बहुत बढ़िया नाटक के हो तुम सब। अजय भैया देख कीजिए, बताओ कि अभी तुम सब नाटक देखे हो हैं? तो अपने गांव घर में हम लोगन के साथ ऐसन होत है कि नहीं? हाँ, ऐसन तो बहुत होत है। तो भैया अब आओ हम सब लोग यह बात पर विचार करें कि रामधन काका से का ना समझी होगी रही, इनकी चिंता का क्या कारण है? कहीं ऐसन तो ना है कि यही ना समझी हम लोग खुद कह रहे हो? अरे भैया, पुरखन की जमीन जितनी रहे वो तो उतनी ही है, खाए वाले जरूर बढ़ गए हैं। मुलाही में हम का कैसे की थे, ये तो भगवान की देन है। ठीक है काका, ये तो हम मानत चले आए हैं ना, लेकिन सच्ची जानकारी इसके बारे में देने के लिए कल जन कल्याण विभाग से एक अधिकारी आए रहे हैं, वो इनके बारे में सही सही और सच्ची जानकारी आप सबका देंगे। ठीक है ना? तो बहुत नीक बात है। अनुदेशक ऐसे नाटक प्रतिभागियों से खिलवा सकते हैं, इसके लिए उनकी भूमिका उन्हें ठीक से समझानी होगी। ऐसे नाटकों के विषय अनुदेशक उनके दैनिक जीवन की घटनाओं या गतिविधियों से ले सकते हैं। इस प्रकार कोई भी जटिल बात उन्हें आसानी से समझाई जा सकती है, साथ ही उनकी चेतना के विकास में उन्हें मदद मिलती है। आइए आज मैं आपको फिसल पट्टी बनाना बता देता हूँ, कैसे फिसल पट्टी बनाएंगे। अच्छा, एक बड़ा सा कोई कार्ड शीट ले लेते हैं, या कोई कागज मोटा या साफ जो भी हो, कोई जरूरी नहीं कि रंगीन ही लें, ले लेते हैं और उसके दो टुकड़े कर लेते हैं, एक बड़ा टुकड़ा रख लेते हैं और दो टुकड़े जो बड़े दूसरा जो टुकड़ा निकलता है उसकी पट्टियां बना लेते हैं, जैसे कि हमको आवश्यकता होती है, पतली पतली ऐसी पट्टियां हम बना लेते हैं, और इन पट्टियों को बनाने के बाद जो भी हमने अक्षर सिखाए हैं उन अक्षरों को इस पर हम लिख लेते हैं, क्रम से ऐसा लिखते हैं कि उसमें ढूंढने के लिए खेल का उपयोग हो सके। जैसे एक पट्टी पर इस तरह के जो कुछ सब अक्षर लिखे हुए हैं ये लिख लेते हैं, और दूसरी पट्टी पर इस तरह के अक्षर लिख लेते हैं, और इन्हीं पट्टियों को ऊपर नीचे घुमाने से कुछ शब्द बनते हैं जो पहले सिखाए जा चुके हैं। इन पट्टियों पर जब आपने लिख लिया तो इस पट्टी को इसमें जो खांचे इसके साइड बराबर काट रखे हैं उसमें इस प्रकार लगाते हैं। इधर पहली पट्टी लगाते हैं और फिर इधर दूसरी पट्टी। ये पट्टी जब लग जाती है तो उसको इस तरह से रख के इसमें खेल के माध्यम से शब्द का बनाया सीखा
जा सकता है या सिखाया जा सकता है और उसकी पहचान भी प्रतिभागियों से कराई जा सकती है। इसी प्रकार अन्य अक्षरों और शब्दों के लिए इतने छोटे छोटे कार्ड काट लेते हैं इसी कागजों से और उस पर जो अक्षर लिखा सिखाए गए हैं उनको लिख लेते हैं और इसको फिर खेलने के लिए प्रतिभागियों को देते हैं और उनके द्वारा खेल के माध्यम से देखते हैं कि उन्होंने इनको कैसे पहचान लिया है और कहां तक इसकी जानकारी उनको प्राप्त हो गई है। इसी प्रकार जब वे सरल शब्द बनाना और पढ़ना सीख लेते हैं तो उनके लिए सरल शब्द के लिए भी शब्द कार्ड हम बनाते हैं जिनमें सरल शब्द लिखते हैं बिना मात्रा के। ये दो अक्षर के हो सकते हैं या तीन अक्षर के। इसको जब हम बना लेते हैं और इतना पढ़ना लिखना जब वो सीख लेते हैं तो इसके आगे की पढ़ाई के लिए अन्य हम कार्ड बनाते हैं जिसमें सरल मात्राएं होती हैं और उसके लिए भी कार्ड इतने ही बराबर बराबर बनाते हैं और मात्रा जो वो सीख चुके हैं वो मात्रा लगा करके शब्द बनाते हैं। इस शब्द कार्ड के माध्यम से मात्रा वाले शब्द की पहचान और उनके पढ़ने की क्षमता विकसित की जाती है। इसी के साथ साथ जब वे आगे और पढ़ना लिखना सीख लेते हैं जिसमें कि संयुक्त अक्षर आते हैं मात्राएं और साथ ही साथ संयुक्ताक्षर पढ़ना लिखना जब सीख लेते हैं तो उनके लिए खेल के लिए ये संयुक्ताक्षर वाले कार्ड इसी आकार के बनाते हैं और उनसे खेल के माध्यम से ताश के रूप में इसको पढ़वाते हैं और फिर उसके बाद लिखवाते हैं। इसी प्रकार जब प्रौढ़ प्रतिभागी शब्द और वाक्य लिखना पढ़ना शुरू कर देते हैं तो उनके लिए वाक्य मिलान पट्टी बनाते हैं। अच्छा। इसको बनाने के लिए कागज लेते हैं और कागज के इस तरह के टुकड़े काट लेते हैं और जो बाहर वाला टुकड़ा होता है उसको तो इसी तरह से रहने देते हैं लेकिन अंदर जो टुकड़े रखे जाते हैं उनको बीच में तीन टुकड़े ऐसे काट लेते हैं तीन और इनमें बीच बीच में ऊपर नीचे करके शब्द लिख लेते हैं जिनसे सरल वाक्य बनते हैं। फिर इसको इसमें बीच में लगा करके और यहाँ से सुई धागे से या किसी गोंद से चिपका देते हैं या सुई धागे से सिल देते हैं। उसके बाद इसमें से हम खेल के माध्यम से ढूंढवाते हैं कि कोई वाक्य ढूंढो और पहचानो तथा पढ़ो। जैसे ढूंढने के बाद मिला साफ पानी पी। इसी प्रकार जब गिनती लिखना पढ़ना सीख लेते हैं तो जैसा कि हमने अक्षर कार्ड के लिए कार्ड काटा था गिनती के लिए भी कार्ड काट लेते हैं और उस पर गिनतियां क्रमशः लिख लेते हैं जहां तक हम सिखा चुके हैं और इसको खेल के माध्यम से उनसे पहचानवाते हैं। साथ ही साथ इसके लिए हम अंक के लिए चित्र और अंक कार्ड भी बना सकते हैं। इसके लिए एक तरफ तो कुछ चित्र रख लेते हैं और एक तरफ अंक और कहते हैं कि कोई चित्र निकालो। जैसा कि चित्र निकाला इसमें तो देखें तो कुछ बना हुआ है वह है दो फूल और इसी प्रकार इधर से अंक में से निकाल के और ढूंढने को कहें तो वह निकाले और ढूंढे तो वह पहचान लेता है कि दो अंक यही है और यह दो फूल है जो दो है उसको इस प्रकार गिनती में लिखा और पढ़ा जा सकता है। साथ ही साथ जब वो दो पहचान ले तो इसमें कहते हैं कि ढूंढो दो कहाँ है। इसमें जब वो दो यहाँ पहचान ले या बता दे तो उसको क्रमशः फिर दो का लिखना सिखाते हैं कि कैसे दो लिखा जाएगा। जैसे ये बिंदुदार लिखा हुआ है इस पर पहले क्रमशः वो धीरे धीरे हाथ फेरेगा और फिर इसके आगे इस प्रकार हाथ फेरते हुए अंत में वह देखते हैं कि दो अंक लिख लेता है तब उसको बताते हैं कि आपने लिख लिया दो। जब अंक लिखना और पढ़ना सीख ले तब हम मिलान पट्टी जैसा कि अक्षर के लिए या शब्द के लिए बनाए थे उसी तरह से मिलान पट्टी बनाते हैं जोड़ के लिए। इसे अंक जोड़ मिलान पट्टी या अंक मिलान पट्टी जोड़ कहते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है एक धन दो। अब वह ढूंढेगा कि एक धन दो बराबर कितना हुआ। इस प्रकार वह जब ढूंढेगा
तो इसमें बीच में उसको मिला तीन, और इस प्रकार बता देता है कि एक धन दो बराबर तीन। अंक मिलान पट्टी घटाना बनाते हैं और इसमें भी उसी क्रम में आगे पीछे करके अंक लिखते हैं और उससे ढूंढवाते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है दो ऋण एक, अब वह ढूंढेगा कि दो ऋण एक बराबर कितना हुआ इस पत्तियों में। तो जब उसे वह एक पा जाएगा तो बता देगा कि दो ऋण एक बराबर एक। इसी प्रकार जब हम व्यावहारिक चर्चा करते हैं और उनको कुछ बातें बता देते हैं तो उसके बाद उन्होंने क्या जानकारी प्राप्त की है इसकी जानकारी के लिए खेल के लिए कार्ड बनाते हैं। जैसे हम मलेरिया के विषय में बताए कि मलेरिया से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए हमने कार्ड बनाया मलेरिया से कैसे बचें, और इसमें कुछ ऐसे वाक्य लिखें जो कि मलेरिया से बचने के लिए उपयोगी हों। जैसे कि लिखा हुआ है कमरा स्वच्छ रखें, इस प्रकार के वाक्य जब वो पढ़ लें और बता दें और इसको छांट के अलग निकाल लें तो हम यह समझते हैं कि उन्होंने इसकी जानकारी प्राप्त कर ली है। अनुदेशक को अपने स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए संदर्भ पुस्तिका बनानी चाहिए। इसके अलावा खेल द्वारा अभ्यास के बहुत से ऐसे साधन हैं जिनको क्षेत्र स्तर पर बहुत कम लागत में बनाया जा सकता है। हिंडोला झूलन आई बले माँ, आई बले माँ, मैं तो आई बले माँ। हिंडोला झूलन आई बले माँ। ये कपड़े से बनी है, यहाँ पर छड़ लगा रखा है, ये छड़ लगे हुए हैं, छड़ से चलती है, और इसका सर जो है हमने कागज से बनाया है, कागज की बनी हुई कठपुतली है। ये इतनी बड़ी है, इसके साथ साथ इसकी छोटी छोटी भी हैं, छोटी छोटी कठपुतली हम दिखाते हैं। ये है तो कागज का इतना हिस्सा, लेकिन इसमें हाथ में पहनने का हिस्सा हमने कपड़े का बनाया है। ये कपड़ा है, इसकी आवाज़ हमारी और आपकी आवाज़ होती है। ये देखो पहन लिया और ऐसे चलाते हैं, नमस्ते नमस्ते करके आप लोगों को नमस्ते किया। देखा ऐसे चला सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। बनाने का तरीका जो है कागज़ का है हम आप लोगों को अभी बताएंगे। ये पुराना अखबार है, अखबारी कागज़ को हम फाड़ लेते हैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे छोटे, और फाड़ के पानी में भिगो देते हैं। जब पानी में भिगो देते हैं तो इसको भीगने के लिए भी चार घंटे कम से कम, चार या पाँच घंटे होने चाहिए। जब चार पाँच घंटे भीग जाए तब इस कागज़ को हम हाथ में लेके या किसी भारी चीज़ में रख के इमाम दस्ते में या हाथ से ऐसे ऐसे करके हम इसको मीस लेते हैं। इतनी देर तक इसको बारीक करना चाहिए जब तक इसमें कागज़ बिल्कुल पता ना चले। जब कागज़ बिल्कुल ना पता चले तो हम मेथी का पाउडर, मेथी को चक्की में पीस के उसका आटा बना लेते हैं। इस आटे को कुटे हुए कागज़ में ऐसे ऐसे मिला के इसको हम मसाला तैयार कर लेते हैं, जैसे हम कठपुतली अच्छी सी बना सकें। जब ये मसाला हमारा तैयार हो जाता है तो हम ऐसे रख लेते हैं, ये हमारा मसाला तैयार है। अब इस मसाले से हमको कोई ना कोई रूप देना है, रूप जब हम देंगे तभी वो हमारी पूरी अच्छी सी कठपुतली बन के तैयार हो गई। वो कठपुतली बना के हम आपको भी दिखाते हैं। अखबारी कागज़ को गोल सा ऐसे बांध लेते हैं, जैसे आप देख रहे हैं इसको मैं बांध लिया। बांधने के बाद ये गोला जब हमने बनाया, अगर छोड़ देते हैं तो खुल जाता है, इसलिए इसमें थोड़ी सी डोरी भी बांध दिया है। ये लकड़ी भी होनी हमारे लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि हमको हाथ में ही पहन के ऐसे चलाना पड़ता है। जब हम इसको चलाएंगे, इसका काट निकाल लेंगे लकड़ी, तो इसमें हम बहुत आसानी से हाथ से पहन लेंगे। इसको बनाने का ये हमने मसाला इस पर लगा दिया चारों तरफ। मसाले को जब चारों तरफ लगा लिया तब इसमें सबसे बीच में सबसे पहले हम नाक बना लेते हैं। देख रहे हैं आप, नाक बनाइए। नाक बनाने के बाद फिर यहाँ पर कान बना दीजिए। जब ये नाक कान हमारे बन के तैयार हो जाते हैं तो हम इसको धूप में सुखा देते हैं। नाक कान जब बन के तैयार हो गए तब हमने इसको क्या किया कि धूप में ऐसे सुखा दिया। जब ये धूप में सूख जाएगा तब इस रूप में तैयार हो जाएगा जैसे हमारे हाथ में है। अब ये धूप में सूख के तैयार तो हो गया है, लेकिन इसमें हल्का हल्का रेग मार करके हमने इसको चारों तरफ घिस दिया।
घिसने के बाद गोंद लगा के हम इस पे रंग करेंगे। रंग करना भी ज़रूरी है। अब रंग में यह है कि जैसे हम और आप सब लोग गोरे और सांवले होते हैं, इसी तरह से इसमें हम रंग भी करेंगे। कोई गोरा बनाएंगे, कोई काला बनाएंगे। रंग किया, रंग करके आपको दिखा दें कि हमने रंग किया है। अब इसमें आँख बनानी है। ऐसे करके हमने ब्रश उठाया, ये देखिए आँख बनके तैयार हो गई। जब आँख बन जाएगी तो फिर हमें धूप में सुखाना ज़रूरी है। धूप में सुखा दिया, अब ये देखिए गोरे काले सांवले जैसे भी चाहें वैसे रूप हमारे सामने बनके तैयार हो गए हैं। इनमें क्या करना है, खाली हमें कपड़ा पहनाना है। अब कपड़े भी ऐसे पहनाएंगे जैसे ये आदमी है, तो आदमी के जैसे ही तो कपड़े बनाएंगे। तो आदमी के कपड़े हैं, ऐसे बना के पहना दीजिए। उसी हिसाब से पहना के देख लें हाथ में कि हमारे हाथ में यहाँ तक ढक जाना चाहिए। फिर अगर औरत बनाई है हमने तो औरत के भी कपड़े पहले से सिल के रख लीजिए और ऐसे पहना दीजिए। पहनाने के बाद हमने देखा ऐसे उड़ा दिया, इसके सर पे ऐसे ढाक दिया, फिर इसको ऐसे बना दिया। जब ये बन के तैयार हो जाएगी पहन के तो आपको ऐसे रूप में होगा। कठपुतली भी एक मनोरंजक विधा है जिसकी मदद से बहुत आसानी से प्रौढ़ तक संदेश पहुंचाया जा सकता है। इनको प्रतिभागी तथा अनुदेशक खुद प्रयोग में ला सकते हैं। इनमें से कुछ को बनाना तो बहुत ही आसान है। कठपुतली खेलों के विषय अनुदेशक अपने आसपास के वातावरण तथा क्षेत्र की समस्याओं में से चुन सकते हैं। अब भाइयों बहनों सबको मेरा आदावर है। अब हम आपके बीच में आ गए हैं, हम आपको एक कठपुतली का ड्रामा दिखाएंगे। आप लोग ड्रामा देखिए और फिर बाद में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु। हैं ये नौकर का बच्चा जब देखो जब गायब, सुबह गायब दोपहर गायब, कहाँ रहता है? अरे लखपतिया, ओ लखपतिया। अरे आ गया मालिक। राम 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 राम। नालायक कैसा गायब रहता है, जा जल्दी हुक्का ले। अभी ला रहा हूँ सरकार। जब देखो जब गायब रहता है, जल्दी ले आ। अरे ला रहा हूँ मालिक, ये लीजिए हुक्का। ठीक है बेटा उधर रहा, चल बैठ जा उधर। कहा कि तंबाकू उठा ले आके, अमीनाबाद से लाया था, अमीनाबाद का बच्चा उठा ले आके। जा रहा हूँ मालिक। गले में फंस रही है, पता नहीं मिर्च में है। सरकार ये देखिए मनी ऑर्डर आ गया। मनी ऑर्डर? हाँ देखे कहाँ से आया। देखिए ना लखपतिया। हाँ ये मनी ऑर्डर है। फिर क्या है सरकार? अरे नालायक ये पोस्ट कार्ड है। अच्छा पोस्टमैन से होता है पोस्ट कार्ड। तुझसे हजार मर्तबा कहा कि प्रौढ़ शिक्षा में चला जा, रात को स्कूल चलता है, वहाँ पर कुछ पढ़ ले दो चार अक्षर, ये सब जान ले कि मनियाडा रहे कि ले पापा है कि पोस्ट कार्ड है, क्या है? बैठ उधर। अच्छी बात है मालिक। देखता हूँ उसमें क्या लिखा है। अगले महीने की 32 तारीख को मेरे साले की शादी है। लखपतिया। हाँ मालिक। बड़ी अच्छी खुशखबरी है। जा जल्दी से थाने के भेज दे। अभी जाता हूँ सरकार। हाँ मैं देखता हूँ किसमें और क्या लिखा है। मलकिन, ओ मलकिन, सेठ जी बुला रहे हैं। ना काम करते हैं ना करने देते हैं। क्या बात है, क्यों बुला रहा है? सेठानी जी आज सुनोगे तो उछल पड़ोगे उछल। अरे कौन सी बात है बताओ ना। ये तुम्हारे मई के चिट्ठी आई है। कहा लिखा है चिट्ठी में? पढ़ लो। हाँ पढ़ी तो हम नहीं, तनी पढ़ के सुनाओ सेठ जी। पढ़ के सुनाओ सेठ जी। अरे हजार मर्तबा कहा कि पढ़ लिख लो, अपने मैके की चिट्ठी तो बांट लिया करो। जरूर पढ़ूंगी। हाँ। बाद में पढ़ूंगी, जरा पहले हमारे मैके की चिट्ठी पढ़ के सुना दो। इसमें लिखा है अगले महीने की 32 तारीख को तुम्हारे भैया की शादी है। भैया की शादी? हाँ। तो मैं जरूर जाऊंगी। हाँ जाओ 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 भाई, भाई की शादी है, ज्यादा है। भैया की शादी है फिर जाऊंगी नहीं क्या? जाऊंगी, जरूर जाऊंगी सेठ जी, आप भी चलिएगा। अरे मैं नहीं जा सकता। हाँ उस दिन कचहरी में मुकदमा है मेरा। अच्छी बात है, तो मैं जाऊंगी लेकिन चिट्ठी लेके घर जाती हूँ। हाँ हाँ चलो चलो चिट्ठी लेके जाऊंगी। अरे लखपतिया के साथ चली जाना। तो अब वही आप सब लोग कठपुतली के नाच देखे हो। अब आओ
उनसे आप सब मुलाकात करवाए दें जो कि यहाँ कठपुतली का नाच दिखाए रहे। सब अपने ही साथ के लोग हैं, आप सब लोग देखते ही पहचान रही हो। आओ भैया। अरे भैया बहुत नीक मजा आएगा। कुछ कम लागत के साधन आपने देखे, इस प्रकार के और भी साधन बनाए जा सकते हैं। अनुदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान ही यदि ऐसे साधन बनाए जाएं तो अनुदेशक इनका उपयोग केंद्र खोलने के साथ ही कर सकते हैं। Deep jalaye, deep jalaye.